ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। अमरोहा जनपद में भू माफिया इस तरह पनप रहे हैं कि भगवान का घर भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही मामला सामने आया है अमरोहा जनपद के गजरौला मोहल्ला फाजलपुर में, जहां मंदिर की खाली पड़ी जगह पर अवैध निर्माण चल रहा था। मौके पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस ने निर्माण रुकवाया। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना गजरौला मोहल्ला फाजलपुर निवासी चरण सिंह पुत्र तन सुख घर के पास में ही पड़ी मंदिर की खाली जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा था। जैसे ही इसकी सूचना भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह प्रजापति व महेंद्र सिंह प्रजापति को लगी, तो वे मौके पर पहुंचे। मकान पर लेंटर गिरने की तैयारी चल रही थी, तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवाया और निर्माणकर्ता से जगह के कागजात दिखाने के लिए कहा, तो वह कागजात नहीं दिखा पाया। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर की जगह पर ये चरण सिंह रक्षण कमेटी के हैं, इन्होंने अवैध रूप से दुकान बना ली है। और जैसे ही अब हम लोग आए तो पता चला ढोने की तैयारी चल रही है, तत्काल लेंटर डालने की इनकी तैयारी थी, इसीलिए हम लोग आए। हमने ये देखा तो इनकी पहले से दरवाजा जो खुला हुआ था और ऊपर पुरानी छल्ली निकली है, ये दिखाई देता है कि पूर्ण रूप से ये जगह सारी मंदिर प्रांगण की है और ये अवैध कब्जा पे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आए। हमने मीडिया को बताया और पुलिस को बताया है और प्रशासनिक अधिकारी हमने इसकी जानकारी दी है। मंदिर का मामला है, ये ईसाई धर्म के लोग हैं और जबकि ये मंदिर की जगह है और वैसे भी देखा जाए तो ये सरकारी है और उस पर अवैध निर्माण ये लोग कर रहे हैं, जबकि मंदिर की जगह पे कोई अवैध निर्माण नहीं होने का। अब लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे लॉकडाउन में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी सी राहत दी है। अब गजरौला ग्रीन जोन आज ही पेपर में छपा है, तो ऐसी स्थिति में ये अब देख रहे हैं आप, धूला इन्होंने बना दिया है और लेंटर डालने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में यहाँ की शिकायत थी कि जी वो अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो उसे हमने रुकवाने के लिए यहाँ सब लोग आए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद से जिला कोषाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी को विश्व मोर्चा का क्षेत्र के प्रवक्ता हैं महेंद्र सिंह प्रजापति जी और मैं भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष, सब लोग हम और अन्य संघ से भी हैं, हरिओम जी हैं, सब लोग हम साथ होकर आए हैं ताकि ये निर्माण रुके। और यह अगर ये अपनी प्रमाणित करते हैं कि ये जगह हमारी है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, नहीं कोई अपरोध होगा, लेकिन ये सरकारी संपत्ति है और मंदिर की संपत्ति है, इसलिए इस पर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। इसकी हम पुलिस ने दी आपने पुलिस को दी इसकी सूचना? हाँ, पुलिस को दी है। नगर जो देख रहे हैं 112 पे भी है और जो नगर के वह हैं रजनीश कुमार ऐसा ही, उन्हें भी सूचना दे दी है। आपका बैनामा है आपके पास? आपका बैनामा है? नहीं, स्टैंप दे रहे हैं। कोई स्टैंप है? किस चीज़ का दे रहे हैं? इसका मकान का। मकान बनाए नहीं तो कैसे दे रहे हो? अभी तो अभी बन रहा है, अभी बन रहा है इसका। नहीं नहीं, ये तो अभी बन, ये जो तुम्हारे सभासद हैं वो कह रहे हैं अभी कल बस सूचना मिली थी कि अब ये टीन नहीं पड़ी है, पहले ये खाली पड़ा रहता था। टीन का फोटो है मेरे पास, फोटो ला कर दूंगा। अच्छा, टीन के फोटो कितने दिन पहले डाली टीन? तीस पैंतीस साल, 9 साल हमें हो गए हैं पत्रकारिता, हमने तो टीन देखी नहीं दी है। चलो कोई ना। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष का कहना है कि अगर ये जगह निर्माणकर्ता की है तो वे कागजात दिखाएं और वे अपना निर्माण कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट।